मोदी और जिनपिंग की मुलाकात से पहले बहुत बड़ा फैसला है। गोगरा हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेना पीछे हटने लगी है। ईस्टर्न लद्दाख में PP-15 से पीछे हटने लगे हैं सैनिक। सोलवे दौर की कमांडर लेवल मीटिंग में बनी थी सहमति। एससीओ समिट में मोदी जिनपिंग की मीटिंग से पहले बड़ा फैसला। 15 से 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान में होनी एससीओ समिट। यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल के दिनों में जिस तरीके से बयान दे रहे थे उन्हें एग्रेसिव कमेंट्स कहा जा रहा था, लेकिन लगता ऐसा है कि उन एग्रेसिव कमेंट्स की उस वक्त बहुत जरूरत थी, जो कि हुआ भी। चीन और भारत के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर साल 2020 से तनाव बना हुआ है। ईस्टर्न लद्दाख में दोनों सेनाएं कई मोर्चे पर आमने सामने हैं। बात LAC के डिमार्केशन की करें और इसे लेकर भारत बिल्कुल क्लियर है। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब कह चुके हैं कि जब तक चीन बॉर्डर पर हालात नहीं सुधरेंगे इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर भी पड़ेगा। इंडिया की लाइन क्लियर है, इसीलिए अब चीन को रेसिप्रोकेट करना है। हालांकि बड़ा सवाल यह भी है कि चीन हमेशा सरप्राइज एलिमेंट से अटैक करता है, लेकिन भारत की फोर्सेस की तैनाती, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अब चीन का वो सरप्राइज एलिमेंट खत्म कर चुका है। हालांकि एक और फ्रिक्शन पॉइंट पर डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट अच्छा कदम है, लेकिन यह बात भी सही है कि चीन भरोसे लायक नहीं है। चीन कब क्या कर दे इसे लेकर चौकन्ना रहने की जरूरत है और भारतीय फौज ऑल अलर्ट पर है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन चीन अब न्यू इंडिया की ताकत को जानने लगा है और पहचानने लगा है। इसका लेटेस्ट सबूत अब सामने आया है। आज जिस वक्त अलग अलग वॉर जोन में टकराव का दायरा बढ़ता दिखाई दिया, ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जंग की आहट सुनाई देने लगी, उसी वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन सीमा विवाद को लेकर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई। विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी हुआ, इसमें लिखा था 8 सितंबर 2022 को भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक के 16वें दौर में बनी आम सहमति के अनुसार गोगरा हॉट स्प्रिंग PP-15 के क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों ने समन्वित और योजनाबद्ध तरीके से हटना शुरू कर दिया है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और शांति के लिए अनुकूल है। इस चार लाइन की स्टेटमेंट में भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक जीत है। इसका मतलब यह है कि जो चीन ईस्टर्न लद्दाख में भारतीय सेना के सामने 3 पॉइंट्स पर मिरर पोजीशन पर अपने सैनिकों को तैनात कर चुका था, उसने अब एक और पॉइंट से अपनी सेना को पीछे हटा लिया। कमांडर लेवल के लगातार बातचीत के बाद चीन को अपने टेंट उखाड़ने पड़े, पीछे लौटना पड़ रहा है। इस डेवलपमेंट का पूरा बैकग्राउंड समझ लीजिए। जून 2020 को दोनों देशों की सेनाओं के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई। इसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे और चीन के करीब 40 से 45 सैनिक मारे गए थे। पूर्वी लद्दाख में जारी तनातनी को देखते हुए चीन ने 50,000 से ज्यादा सैनिक सीमा पर तैनात कर रखे हैं। भारत ने भी करीब उतने ही सैनिक तैनात कर रखे हैं ताकि चीन की किसी भी हरकत का जवाब दे सके। लेकिन इसके बीच कमांडर लेवल पर दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले चीन गलवान से पीछे हटा, 1.5 किलोमीटर पीछे चला गया। इसके बाद फरवरी 2021 में पेंगोंग लेक पर डिसएंगेजमेंट हुआ। अगस्त 2021 में ही गोगरा हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी थी। बाद में डेपसांग, डेमचोक और PP-15 पर जवान मिरर पोजीशन पर तैनात थे। अब PP-15 से डिसएंगेजमेंट के बाद डेपसांग और डेमचोक वाला मुद्दा सुलझना बाकी रह गया है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 16वें दौर की वार्ता 17 जुलाई को हुई थी। इन बातचीत का मकसद यही है कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लिया जाए। हालांकि बीते दिनों चीन की तरफ से लगातार LAC के पास बाउंड्री एग्रीमेंट का वायलेशन किया गया। चीन ने वॉर एक्सरसाइज के नाम पर अपने प्लेन को भारत की सीमा के पास भेज दिया, जिसके जवाब में हमारी सेना ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया और इसे लेकर हर प्लेटफॉर्म पर चीन से विरोध भी जताया गया। मगर इतना जरूर है कि अब चीन को समझ आ गया है कि उसकी दादागिरी न्यू इंडिया के सामने नहीं टिकेगी। ये वो हिंदुस्तान है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। लेकिन चीन है कि मानता नहीं, क्यों? एक फ्रंट पर वो बैक ट्रैक करता है और दूसरे फ्रंट पर वो एग्रेसिव हो जाता है।